आईवी कैनुला लगाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रे प्रिपेयर करनी होती है और प्रोसीजर के दौरान काम में आने वाली सभी आवश्यक सामग्री को हम इस प्रकार से ट्रे में ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास में अप्रोप्रिएट साइज के बहुत से कैनुला है। आप देख पा रहे हो ग्रे, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू और पर्पल कलर के हमारे पास में सारे कैनुला है, जो कि बच्चे से लेके एक एडल्ट के लिए इनफ है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हमें अकॉर्डिंग टू वेन कैनुला का साइज चूज करना होता है। आपने जो भी वेन को टारगेट किया है कि इस वेन में मुझे कैनुला लगाना है, उसके चौड़ाई के अनुसार हमें कैनुला लगाना होता है। अक्सर बच्चों में पर्पल और येलो कलर के कैनुला हम प्रेफर करते हैं और नॉर्मली पिंक और ब्लू कलर के कैनुला जो कि 22 गोज और 20 गोज में आते हैं, वो हम एडल्ट के लिए यूज करते हैं। और अगर किसी केस में हमें लार्जर अमाउंट ऑफ फ्लूड अगर देना है या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स देना है, तो हमें 18 या 16 नंबर की गेज के कैनुला को इंसर्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक टर्निक्वेट हमें रखना चाहिए। टर्निक्वेट के अलावा माइक्रोपोर हमें रखनी चाहिए। साथ ही साथ पार्ट प्रिपेयर करने के लिए एल्कोहल स्वैब रखना चाहिए और एक 2 या 5 ml की प्रीफिल्ड सलाइन वाली सिरिंज हमें एज ए फ्लैश के रूप में रेडी रखनी चाहिए और स्टराइल पैड्स हमें रखने चाहिए। इसके अलावा फिक्सेशन के लिए टेगाडम होना चाहिए और ग्लव्स अपने हाथों के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अलावा स्टराइल गोजेज और एक किडनी ट्रे जो कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको कंटेन करने के लिए रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आईवी कैनुलेशन की प्रोसेस। सबसे पहले हमें हैंड वॉशिंग करके अपने अप्रोप्रिएट साइज के ग्लव्स पहन लेने हैं। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो टर्निकेट अप्लाई करने के बाद में इस प्रकार से स्प्रिट स्वैप से हमें हमारी साइट को प्रिपेयर कर लेना है और अप्रोप्रिएट साइज का कैनुला हमें डिसाइड कर लेना है। कैनुला में आप देख पा रहे हो, हमें कैनुला को इस प्रकार से होल्ड करना है और इसमें ये देखना है कि दोस्तों, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इस प्रकार से हमें कभी भी कैनुला को होल्ड नहीं करना है और इस प्रकार से कैनुला की बटरफ्लाई को अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में पकड़ना है और पीछे के स्टिलेट को हमें इस प्रकार से थंब से रखना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कैनुला के टिप को कई बार एक्सीडेंटली टच कर देते हैं। दोस्तों, हमें कैनुला की टिप को कभी छूना नहीं चाहिए और इस प्रकार से पकड़ना भी नहीं चाहिए, इससे ये कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। और चूंकि हमारे पास में ये सेफ्टी कैनुला है तो इसको बार बार निकालना भी नहीं है। बहुत से लोगों की आदत ये होती है, पीछे से पकड़ के निकालते हैं और फिर इसको से इंसर्ट करके देख लेते हैं, जबकि दोस्तों सेफ्टी कैनुला में ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप बाहर निकाल दोगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा और ये कैनुला हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब हम प्रोसीजर को करते हैं स्टार्ट। वेन को हमने फाइंड कर लिया है। इस प्रकार से पेशेंट को बता देते हैं कि एक बार प्रिक होगा और मामूली सा पेन होगा, तो ऐसा करके हमें अप्रोप्रिएट 15 टू 20 डिग्री के एंगल पे हमें इस प्रकार से पुश कर देना है और वेट करना है। देखिए दोस्तों, पीछे चैम्बर में ब्लड अपने आप से फ्लो में आ गया है, तो इस प्रकार से जब आ जाता है तो स्टिलेट को अपनी पोजिशन में रखना है और हमारे इंडेक्स फिंगर से ओनली कैनुला को आगे पुश करना है और फिर टर्निकेट को रिलीज कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे खास बात ध्यान देने वाली है, अगर टर्निकेट को ज़्यादा देर तक अगर हम प्लस करके रखते हैं तो ब्लड फ्लो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इस केस में हमारे यहाँ पे भी यही है, आपको डेमो देने के लिए अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो गया है जिसकी वजह से हम इसको ब्लॉक नहीं कर पाए हैं। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, दूसरे हाथ से हमें ब्लॉक करना है और हमारे डोमिनेंट हैंड से इस प्रकार से कैनुला को हैंडल करना है। अगर गलती से कभी ब्लड ड्रॉप्स गिर जाते हैं तो घबराना नहीं है, उसको आराम से हमें स्टराइल गोज से क्लीन कर देना है और इस प्रकार से कैनुला को चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। बहुत सी बार हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन भी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन को यूज करने के लिए हमें लाइन को प्राइम करके पहले से रखना होता है। दोस्तों, बहुत सी कंडीशन में पेशेंट अपना ब्लड देके घबरा जाता है, तो
इस कंडीशन में पेशेंट को कैनुला साइट पे नहीं देखने के लिए हमें बोलना है और साथ ही साथ कैनुला साइट को अच्छे से क्लीन कर देना है। दोस्तों, सेप्टिक कैनुला की खास बात ये है कि ये नीडल स्टिक इंजरी फ्री होता है। ये यहाँ पे पीछे जो इसका सॉकेट निकला है, यहाँ पे इसका स्टेडेट एकदम ब्लॉक हो जाता है और हेल्थ केयर वर्कर को नीडल स्टिक इंजरी नहीं होती है। तो इसके लिए जो भी मेडिकल लाइन की कंपनीज है उनको मेरी तरफ से थम्स अप। उन्होंने हज़ारों लाखों नीडल स्टिक इंजरीज को बचा लिया है। दोस्तों, अब हमने कैनुला तो फिक्स कर लिया, लेकिन इसकी पेटेंसी चेक करने के लिए हमें फिक्सेशन से पहले एक बार फ्लश करके इसको चेक करके देख लेना है। तो इस प्रकार से हमें कैनुला को पकड़ना है और यहाँ पे थोड़ा ब्लड अभी भी मुझे लग रहा है, तो पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद में इस प्रकार से आपको नीडल को अटैच करना है और 1 to 2 ml आपको पुश करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल इजी से स्मूथली फ्लूड जा पा रहा है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि कैनुला कहीं पे भी काउंटर नहीं हुआ है और कहीं ब्लॉकेज नहीं है, हम 100% वेन में ही हैं। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में अब बारी आती है इसको फिक्स करने के लिए। दोस्तों, कैनुला इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर फर्स्ट टाइम में ही कैनुला को वेन में इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं उसको फिक्स करने में। स्पेशली ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं। आपने अच्छे से वेन में तो पंक्चर कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से फिक्स नहीं कर पाओगे तो कैनुला की जो लाइफ है वो कम रह जाएगी। दोस्तों, तो टेगाडर्म फिक्स करने के लिए कैनुला की दोनों बटरफ्लाई पे इस प्रकार से हमें फिक्स कर देना है। दोस्तों, इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके इसको फिक्स करना है और पेशेंट को साथ ही साथ बात करके उसको भी रिलैक्स कर देना है कि आपका प्रोसीजर हो गया है, अब फाइनल टच में ही हम हैं। तो टेगाडर्म को इस प्रकार से हम अच्छे से पूरे कैनुला को कवर करते हुए लगाएंगे और इस पोजीशन में ऐसे करके हमें कैनुला को लगा देना है। दोस्तों, बहुत से सेटअप में टेगाडर्म अवेलेबल नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट वाली टैप अवेलेबल नहीं होती है, तो वो फिर नॉर्मली माइक्रोपोर को ही भी यूज करते हैं। उस माइक्रोपोर, और इसमें एक नुकसान है दोस्तों, माइक्रोपोर में हम कैनुला इंसर्शन की जो साइट है वहाँ पे हम देख नहीं पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, जिसके बाद में हमें जो कैनुला की टिप है वो दिखाई दे रही है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, आफ्टर 2 to 3 days जब यहाँ पे फेलवाइटिस होती है या इन्फ्लामेशन साइट में होता है तो वो हमें अच्छे से विजिबल होता है, जिससे कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब फाइनली हमने टेगाडर्म अप्लाई कर दिया है, फाइनली टेगाडर्म से हमने कैनुला को फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी लास्ट स्टेप बाकी है। दोस्तों, यहाँ पे हमें कैनुला पे डेट डालना है कि कौन सी तारीख को और कब ये कैनुला हमने फिक्स किया है। नॉर्मली अगर पीवीसी के बने हुए कैनुला आप इंसर्ट करते हो तो 3 दिन तक उसकी लाइफ होती है, लेकिन अगर पॉलीयूरेथीन के बने हुए कैनुला आप फिक्स करते हो तो आप उसको आसानी से 7 days चला सकते हो। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कैनुला को लेबल कर देते हैं और यहाँ पे आप जो भी मेडिसिन आपको देना है इंट्रावेनस वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और कैनुला लगाने के बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं उनको प्रॉपरली अपने डेडिकेटेड डस्टबिन में डालना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे कैनुला को सेफली रिमूव करना होता है और कैनुला लगाए रखने के दौरान किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है, जिससे कि कैनुला की लाइफ काफ़ी लॉन्ग समय तक चल पाए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई कमी रह गई है इस वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, आने वाले वीडियो में हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मेडिकल अड्डा पे ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू।